नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हार्ट कहा जाता है आरएसएस, और आरएसएस पर कोई उंगली उठाए तो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। अब इस पूरे मामले में बिहार में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से आतंकी पकड़े गए, एक संगठन की तुलना आरएसएस से की गई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में काफी उबाल है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पर आगे की क्या रणनीति और प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं में से एक संजय टाइगर जी हैं। संजय टाइगर जी अपनी बातों को बड़ी बारीकी से रखते हैं और इस जो विषय है जिसमें काफी उलझ गई है बातें, उसको किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं और क्या सोचते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हाँ नमस्कार। संजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस आपके सत्ता और शासन की जंजीर बनता जा रहा है? देखिए, मैं आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आरएसएस से हमारी वैचारिक समानता है जी। आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जी। हम एक राजनीतिक दल है। कई लोगों को भ्रम होता है जी, ये अलग अलग संगठन है और एक दूसरे के काम काज में कोई दखल नहीं होता है जी। हाँ, हमारी वैचारिक समानता है राष्ट्रवाद को लेकर के जी। तो हमारा विचार परिवार जरूर है। हम समय समय पर एक दूसरे से परामर्श करते हैं, विचार करते हैं कि राष्ट्र की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन न उनके कामकाज में हमारा दखल होता है, न हमारे कामकाज में उनका दखल होता है। हमारा संगठन अलग चलता है, उनका संगठन अलग चलता है। वैचारिक समानता के चलते गलतफहमी पैदा होती है। संजय जी, यही बात तो आपके साथी और विपक्ष भी कह रहे हैं कि दोनों में भले ही अलग अलग हों लेकिन सत्ता के लिए वो आपके लिए काम करते हैं और जब उन पर आरोप लगता है तो आप उनका बचाव करते हैं। कहीं ये चुनावी रणनीति का शुरुआत तो नहीं है 2024 के? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, उस राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बीजेपी राजनीतिक संगठन है। हम राजनीति करते हैं देश बनाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए जी। और कई स्तरों पर वैचारिक समानता अगर किसी से हो तो क्या समस्या है? एक आरएसएस के सत्संग चालक है, मोहन भागवत जी से किसी ने सवाल किया था किसी कार्यक्रम में जी, कि भाई आरएसएस के लोग बीजेपी में जाकर के संगठन मंत्री के रूप में काम करते हैं, बीजेपी के सहयोग करते हैं जी, और आप कहते हैं कि बीजेपी से नाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बीजेपी के लोग मांगते हैं हमारे पास से कार्यकर्ता जी, आप भी मांगिए, मैं आपको भी दूंगा जी। कांग्रेस के लोग मांगे कि मैं वो आपको भी दूंगा अगर मुझे लगे अपराध हित में काम कर रहे हैं। तो आरएसएस से जुड़े लोग केवल बीजेपी में नहीं है जी, आरजेडी में है, कांग्रेस में है, क्योंकि आरएसएस जो है उसके स्वयं सेवकों पर भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप किसी क्षेत्र में जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जाइए, किसी दल में जाइए, आरएसएस उनको प्रतिबंधित नहीं करता है। वो तो एक संस्था है जो लोगों में चरित्र निर्माण की बात करता है, राष्ट्र निर्माण की बात करता है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है जिसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे बचाए रखें, उसको और कैसे मजबूती दें, इसके लिए काम करता है। तो राष्ट्रभक्तों का संगठन है, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति की कुछ बीमारियां हैं, कुछ विकृतियां हैं, कुछ पार्टियों को लगता है कि आरएसएस को गाली देने से एक समाज विशेष का वोट हमको मिल जाएगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले जब आरएसएस को गाली देते हैं, जब बीजेपी को गाली देते हैं, और जब वक्त आता है, जरूरत होती है, तो बीजेपी को गले लगाने से उनको परहेज नहीं होता है। संजय जी, पूछता हूँ संजय जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। ममता जी हमारे साथ रही है कि नहीं जी? चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ रहे हैं कि नहीं जी? शिवसेना हमारे साथ रही है कि नहीं? लालू जी को मुख्यमंत्री 90 में हमारे सहयोग से बनना पड़ा जी। कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जब बीपी सिंह बने थे प्रधानमंत्री, हम और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों समर्थन दे रहे थे। 67 में संबित सरकार बनी थी तो सब लोग मिलकर उसमें काम कर रहे थे। तो ये जो बीजू पटनायक हमारे साथ रहे हैं, कौन दल रहा है जिसे मेरा कांग्रेस को छोड़कर के सभी दलों ने कभी न कभी भाजपा के साथ गलत बहियां की है? उस समय हम अच्छे हो जाते हैं जी, और आप बाद में हमको सांप्रदायिक कहने लगते हैं। जो लोग कहते थे कि बीजेपी शिवसेना सांप्रदायिक है महाराष्ट्र में, उन्होंने कैसे शिवसेना को गले लगाया, चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये सुविधा की राजनीति है,
सुविधा की व्याख्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण में जब जनता पार्टी का निर्माण की बात हुई और जनसंघ के विलय होने की बात हुई, कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि बीजेपी के लोग आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस सांप्रदायिक है, बीजेपी सांप्रदायिक है। तब जयप्रकाश ने कहा था कि और आरएसएस बीजेपी सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूँ। और मैं आपको स्मरण दिला दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के परेड में आरएसएस के लोगों को शामिल कराया था, उनका परेड कराया था। ये तो एक जुमला बन गया है, कुछ भी नहीं समझ में आता तो आरएसएस को गाली दे दो, बीजेपी को गाली दे दो, उससे उनको लगता है कि एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण होगा और हमारे तरफ झुकेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति है, उनको कभी कभी लाभ होता भी है नहीं भी है, उनको हम नहीं रोक सकते ये बोलने से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।